देखिए कितना बड़ा मेंढक यहाँ पर बैठा हुआ है। गाय बैल वगैरह भी खेतों में चर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ना पानी भरा हुआ है इस खेत में, ऐसा लग रहा है जैसे तालाब है। और मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, ये देखिए एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम खेत जा रहे हैं और खेतों में दोस्तों हमें दवाई छिड़कने का काम करना है। खरपतवार नाशक दवाई का हम छिड़काव करेंगे। पिछली रात को दोस्तों अच्छा बारिश हुआ है तो खेतों में अच्छा नमी है और खरपतवार भी बहुत उगाए हैं, तो हमें खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करना पड़ेगा। आप देख सकते हो दोस्तों खेतों में धान इस तरह से हो गया है, इतना छोटा है अभी धान, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा हुआ है, लेकिन अभी समय है खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करने का, क्योंकि खरपतवार भी अभी छोटे छोटे हैं। तो अभी हम खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करेंगे। तो दोस्तों अभी ये देखिए, ये स्प्रेयर का टंकी मैं अपनी पीठ में लगाया हूँ, इसमें अभी मैं पानी भर के ले जा रहा हूँ। पानी भर कर देखिए, वो काफ़ी दूर दिख रहा होगा दोस्तों आपको, यहाँ पे ये जो घर दिख रहा है, यहाँ पर तालाब है, वहीं से मैं पानी लेके आया हूँ स्प्रेयर पे। पिछली रात को बारिश हुआ था, थोड़ा थोड़ा सा पानी कहीं कहीं रुका हुआ है, और आशा करता हूँ हमारे खेत के आसपास पानी मिल जाए, नहीं तो पानी लेने के लिए इतना दूर हमें आना पड़ेगा। और देखिए वो मम्मी जी जा रही बहुत दूर, को जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो वो भी पानी लेके जा रही हैं बर्तन में। तो पानी का बहुत अभी महत्व है दोस्तों, पानी लेके दूर दूर तक हमें जाना पड़ता है ताकि खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग किया जा सके। तो दोस्तों आपको जहाँ कहीं भी नज़र आ रहा है पूरा खेत ही खेत दिख रहा होगा, हमारे छत्तीसगढ़ में हर जगह खेत ही खेत दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा खेती है। लेकिन एक समस्या ये है दोस्तों, यहाँ पर खेती करने के लिए हमें पर्याप्त खेत तो मिल जाते हैं, लेकिन पानी का साधन बिल्कुल भी नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर 1% कहीं भी 1 या 2% नहर का सप्लाई होगा, और कहीं भी नहर का सप्लाई नहीं है, इसलिए हमें पूरे साल भर में सिर्फ एक ही फसल लगाने का मौका मिलता है बरसात के सीज़न में, और उसके बाद खेत हमारा खाली रहता है। तो देखिए दोस्तों ये एक छोटा सा हमारा खेत आ गया है, और इसमें भी काफ़ी खरपतवार हो गए हैं, इसमें काफ़ी यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है, तो हमें पानी ले जाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे भी पानी है, तो बहुत अच्छी बात है, पानी के लिए हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस खेत में हम बाद में दवाई का छिड़काव करेंगे, पहले और आगे खेत है वहाँ पे जाएंगे। तो मैं कह रहा था दोस्तों यहाँ छत्तीसगढ़ में खेती बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूर दूर में है, एक छोटा सा खेत यहाँ पर है तो कोई खेत कहीं और दूर में है, इसलिए यहाँ पर अगर कोई बोरवेल भी कराता है तो मुश्किल है, क्योंकि खेत अगर आपस में हो, लगातार खेत हो, तो बोरवेल कराने का फ़ायदा है, नहीं तो बोरवेल कराने के लिए छोटा सा ज़मीन रहेगा तो फिर उसमें आप क्या खेती करोगे, ये दिक्कत है दोस्तों। यहाँ पर पूरा बरसात के पानी पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों क्या करें, किसानों का काम है मेहनत करना दोस्तों, और हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से डरना नहीं है। तो ये तो हम हर साल करते हैं दोस्तों, अपना 100% मेहनत करना है, अब बाकी ऊपर वाले के ऊपर है, पानी अच्छा सा हो तो फसल भी अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको दवाई स्प्रे करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी मैं खेत में पहुँच गया हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खरपतवार दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें धान भी है और खरपतवार भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका दवाई हम छिड़केंगे। और टंकी में अभी दवाई हमने भर दिया है, और आगे आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा मेंढक यहाँ पर बैठा हुआ है, ये देखिए पानी गिरा हुआ है तो ये यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भाग जाएगा अभी। Whee!
दोस्तों इस खेत में दवाई छिड़काव का काम पूरा हो गया है। अब अगले खेत की तरफ बढ़ते हैं। अभी टंकी में मेरा अभी दवाई बचा हुआ है और एक दो खेत के बाद ही दूसरा खेत है, उसमें जाके अब हम बाकी का दवाई छिड़काव का काम करेंगे। और ये देखिए गाय बैल वगैरह भी खेतों में चर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है गाँव में दोस्तों। इस तरह से देखिए गाय बैल को छोड़ देते हैं। अब धान देखिए ये बढ़ेगा, बढ़ने लगा है और इसको बार बार पशु वगैरह चरने लगेंगे तो धान उनके खुर के नीचे आके दब जाता है और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए दोस्तों एक और खेत में हम आ चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो इतना पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर ये दवाई का असर नहीं होगा, पानी अगर कम रहता है तो असर होता है। ये ऐसा हमने दवाई डाला है इसमें कि इतना पानी में तो असर नहीं करेगा। चलो देखते हैं छिड़काव करके दवाई को क्या करें। पानी तो एक दो दिन में सूख जाएगा, लेकिन पानी सूखा रहता है तो अब ज़्यादा असर होता है दवाई का। अभी देखिए इसमें पानी भर रहे हैं, छांद कर पानी भर रहे हैं क्योंकि पानी मटमैला है। जितना अच्छा पानी जाएगा उतना अच्छा स्प्रेयर से फुहारे अच्छे निकलेंगे, अच्छा प्रेशर से पानी स्प्रेयर से निकलेगा, इसलिए इसको अच्छे से छान लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों इस खेत में भी दवाई छिड़काव का काम पूरा हो गया। अब थोड़ा सा इस टंकी में पानी और दवाई बचा हुआ है तो उसको मैं जहाँ पर ज़्यादा खरपतवार है वहाँ पर छिड़क देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घना यहाँ पर खरपतवार जगह हुआ है। यहाँ पर हमने गोबर खाद वगैरह डाला हुआ था तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा खरपतवार उग गया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डबल कर देते हैं ताकि ये खरपतवार भी जल्दी मर जाए। इसमें दोस्तों सिर्फ खरपतवार ही मरेंगे, धान का पौधा नहीं मरता। जिनको नहीं पता है शहरों से हैं वो, अगर नहीं जानते हों तो उनको बता देता हूं मैं। ये देखिए इस खेत का भी काम पूरा हो गया, ये छोटा सा खेत है, इसमें दो स्प्रेयर हमने दवाई छिड़काव किया है। छोटा सा खेत है, इस खेत का नज़ारा आप देख सकते हो। तो चलिए अब अगले खेत में हम चलते हैं, मम्मी जी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, पानी वगैरह इकट्ठा कर रही हैं। आज का मौसम दोस्तों बहुत ही अच्छा है, बादल छाए हुए हैं और धूप वगैरह नहीं पड़ रहा है। दवाई स्प्रे करने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है और हल्का हल्का सा हवा भी चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर दवाई स्प्रे करने का। देखिए इन छोटे छोटे पगडंडियों पर चलते हुए हम जा रहे हैं हमारे एक और छोटे से खेत में। इसमें आधा स्प्रेयर के जितना इसमें दवाई लगेगा, बहुत ही छोटा सा है। ये देखिए लोगों ने अपने साइकिल वाइकल यहाँ पर ला रखे हैं खेतों में काम करने के लिए। और अगर 4-5 घंटे बारिश नहीं होता है तो दवाई का असर फुल होगा। अगर पहले अगर बारिश हो जाता है तो दवाई से क्या है धुल जाता है, तो ये भी ऊपर वाले से ये आशा करते हैं कि वे अभी बारिश ना हो, शाम तक फ़िलहाल बारिश ना हो तो दवाई का असर भी अच्छा रहेगा। फ़िलहाल हम अपने छोटे से खेत में पहुंच चुके हैं। ये देखिए मम्मी जी यहाँ पानी इकट्ठा करके तैयार हैं। ये देखिए छोटा सा खेत है, ये फिर से टंकी में पानी और दवाई मिक्स कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से दवाई और पानी मिक्स कर लेते हैं, फिर इसको स्प्रेयर करेंगे इस छोटे से खेत में।
तो दोस्तों इस खेत का भी स्प्रे हो चुका है, तो अब अगले खेत में हम चलते हैं। अगला खेत एक और है पास में, उसमें जाएंगे। तो देखिए दोस्तों दूसरे खेत की तरफ जा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए कितना पानी भरा हुआ है इस खेत में, ऐसा लग रहा है जैसे तालाब है। इस खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, इस खेत से मिट्टी निकाला हुआ है शायद, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी भरा है। और मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर चप्पल नहीं चलेगा, कीचड़ वगैरह है इसलिए खाली पैर जा रहे हैं। कांटा वाटा वगैरह भी चुभ जा रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, ये हमारे खेत के पास लगभग पहुँच ही गए। ये है छोटा सा हमारा खेत, इसमें भी बीच बीच में पानी भरा हुआ है, तो पानी हमें कहीं और से लाना नहीं पड़ेगा। ये छोटा सा खेत है, इस खेत में ये खरपतवार बहुत ज़्यादा है। ये खेत के किनारे किनारे जो मेड़ है इसके आस पास, इसको हम चरोटा बोलते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा है, खेत के किनारे किनारे बहुत ज़्यादा खरपतवार ये वाले हैं। मम्मी जी पानी यहाँ से छान कर तैयार कर रही हैं, फिर स्प्रेयर में हम पानी भर के दवाई का छिड़काव करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर सांप दिखाई दिया है मुझे, ये देखिए दो दो सांप शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं, ये देखिए एक आगे है इसका मुंह, एक पीछे, भाग रहे हैं ये लोग। ये देखिए कौन सा सांप है मेरे को तो मालूम नहीं है, लेकिन ये देखिए अब ये बिल में जा रहे हैं। तो दोस्तों इस खेत का भी स्प्रे का काम पूरा हो गया है। मैंने पूरा वीडियो नहीं बनाया, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो दोस्तों इसमें दो स्प्रेयर हमने दवाई का छिड़काव किया है, और ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खरपतवार हैं, जितना भी बचा हुआ इसमें है इसको मैं यहीं पर खाली कर दूँगा। देखिए बहुत ज़्यादा खरपतवार यहीं पर है। तो दोस्तों अब हम घर आ चुके हैं, दवाई छिड़काव का काम पूरा हो गया है, और घर आके खाना पीना मस्त हम खा चुके हैं, और अभी शाम के 5 बज चुके हैं दोस्तों। अब देखिए थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू हो रही है अभी, तो आज का दिन पूरा अच्छा निकल गया है, क्योंकि दवाई छिड़कने के बाद 4-5 घंटे का उसको टाइम मिल गया है उसको एब्जॉर्ब होने में। अब बारिश होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए या पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।